तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देख सकते हो इस PNG के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई आपने PNG जो कहाँ से डाउनलोड किया था, कैसे डाउनलोड किया, इसको कैसे एडिट करना है। तो गाइस मैं आपको ये PNG जो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्रोवाइड करने से पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना और इस PNG को मैं कैसे एडिट करूंगा। तो गाइस इसमें मैंने कुछ इफेक्ट्स भी ऐड किए थे, वो नॉर्मल से थे लेकिन बहुत अच्छे लगे थे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने कैसे कैसे एडिट किया था। तो चलो गाइस सबसे पहले मैं बढ़ूंगा VN एप्लीकेशन की ओर। तो सबसे पहले VN एप्लीकेशन में आप सब कोई सा भी क्लिप है जो ओपन कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो मैं अपने VN एप्लीकेशन में आ गया हूं और VN एप्लीकेशन में गाइस यही वो ड्राफ्ट रील्स है जिसको मैंने एडिट किया था। तो गाइस अभी मैं देखो सबको लिरिक्स को वगैरह डिलीट करूंगा तो वापस है जो मुझे डबल मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले आपको एक एक चीज़ मैं ध्यान से बताता हूं और आपको ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले गाइस साउंड कॉपीराइट इशू रहेगा इसलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो फिर गाइस ये लिरिक्स तो कुछ इस तरीके से, लिरिक्स तो गाइस अपने हर वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा वीडियो बना चुका हूं, हर वीडियो में एक एक बंदा कोई ना कोई बताता है कि लिरिक्स को टेक्स्ट कैसे करते हैं। तो गाइस आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। टेक्स्ट पे आकर आपको यहां पे जो टेक्स्ट कर लेना है, फिर आपको पे जो भी लिरिक्स के लाइन है वो आपको टेक्स्ट कर लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप बहुत सारे फॉन्ट चूज कर सकते हो कोई सा भी, ठीक है, आपको बेस्ट लगे वो, ठीक है। तो ये भी लिरिक्स के बारे में तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो उसको बारे में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको ये PNG जो मैं दूंगा वो चलना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो कुछ इस तरीके से होगा, फिर ठीक है ये PNG आपको ला लेना। तो देख सकते हो इसकी मैंने क्रोमा की जो भी बिगड़ गई, तो मैं आपको अच्छे से वापस क्रोमा की करके बताऊंगा। तो आपको पता होगा कि इस मेन वीडियो की डुप्लीकेट प्लेयर बना लेनी है। बनाने के बाद गाइस इसको ऊपर फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करने के बाद इसको वीडियो के इक्वल रखना और इसको कुछ इस तरीके से ला लेना गाइस, ठीक है, जैसे मैं आपको ला रहा हूँ। सबसे पहले ठीक है ये कुछ गाइस ये ऊपर जो आपको तीन दिख रहे हैं ये एफएक्स है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसको क्रोमा की देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्रोमा की करेंगे तो गाइस ये कुछ इस तरीके से आपको ध्यान से देखता हूं। तो गाइस यार देखो कि मैंने इसके बॉट रखे थे लेकिन मेरे क्रोमा की सही से नहीं हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखो यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर सन आ रहा है उसकी वजह से मेरी क्रोमा की जो प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके क्रोमा की कैसे करूँगा आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैंने इसके क्रोमा की करी थी। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसकी पूरी 100 करी तब जाके इसके क्रोमा की जो अच्छे से हुई थी, ठीक है। फिर इसको मैं नॉर्मल सा मास्किंग करके की हुई है तो आपको थोड़ा बेस्ट लगेगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी मास्किंग की हुई है, देख सकते हो। तो गाइस अभी लग रहा है कि इसकी क्रोमा की जो परफेक्ट हो गई है, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मैंने एफएक्स एड किया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो गाइस ये क्या हुआ, इस मेन वीडियो को डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। बनाने के बाद चलो गाइस मैं आपको अच्छे से बताता हूँ इस मेन वीडियो को डुप्लीकेट लेयर बना ली। तो ये गाइस अभी जैसे कि मुझे यहाँ पर एफएक्स रखना, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर से लेफ्ट से स्लाइड करूँगा और इसको भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, आपको जितना रखना उस हिसाब, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करूँगा, मैं मोशन में आऊँगा, मोशन में आने के बाद लूप एनिमेशन में, फिर यहाँ पे ब्लिंकिंग में करूँगा, तो इसकी 0.1 सेकंड करूँगा। तो कुछ इस तरीके से ब्लिंकिंग हुआ आपको मैं बताता हूँ एक बार वीडियो प्ले करके। तो गाइस देख सकते हो ब्लेंडिंग पे आना, ब्लेंडिंग पे आने के बाद कलर डोज आपको जैसी ब्लिंकिंग करवानी है आप रख सकते हो, ठीक है। देखो सॉफ्ट में रखूँगा तो कुछ इस तरीके से ब्लिंकिंग हुआ, देख सकते हो आप थोड़ा सा हल्का हल्का हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे गाइस इसको मैं ब्लेंडिंग पे आने के बाद यहाँ पे कलर डोज पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये कैसा थोड़ा अच्छा ऐसा ब्लिंकिंग हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आपको जैसा बेस्ट लगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना, मैंने अभी वीडियो में ही रखा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे कलर फ्रीज हो रहा था नॉर्मल करके। तो गाइस सबसे पहले क्या करना, आपको ब्लैक स्किन ला लेनी है, ये जो भी मैं ला रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये तो कुछ इस तरीके से ब्लैक स्किन लाने, फिर आपको यहाँ से वीडियो के हिसाब से इसको पूरा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपको ब्लेंडिंग पे आना, ब्लेंडिंग पे आने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने हुई सेलेक्ट किया था, देख सकते हो। तो इसका कलर है जो पूरा एकदम से देख सकते हो कि सैचुरेशन वगैरह जैसे सब माइनस कर लिया वैसे हो रहा है, ठीक है, कलर फेड हो रहा है एक तरीके से। फिर गाइस मैंने इसको एनिमेशन में करके ये जो सबसे लास्ट वाला ग्रेडिएंट करके इफेक्ट ऐड किया था, इसमें एनिमेशन ऐड किया था, कुछ इस तरीके से इसके सेकंड आपको बढ़ा देने थे, स्लो स्लो करके आएगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है गाइस। फिर लास्ट में ये है जो ये वाला, ठीक है, जो ये देख सकते हो ये मोशन कैसे ऐड होकर आई है। तो गाइस सेम चीज़ वही है, इसकी डुप्लीकेट लेयर बना रखी है, मैं आपको बताता हूँ। फिर एनिमेशन में आना, एनिमेशन के आने बाद ये जो रिवील है वो आपको इफेक्ट एनिमेशन है जो सेलेक्ट कर लेना है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा गाइस, देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको आपके स्लो को हाई सेकंड कर सकते हो इसकी एनिमेशन को, ठीक है गाइज। आई होप गाइज मेरी आपको ये एडिटिंग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी आपको कमेंट्स में बताना, ठीक है गाइज। और मिलूंगा मैं आपको इसी न्यू वीडियो के साथ, और गाइज आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो का शॉर्ट आउट मिलने वाला है यूट्यूब पर भी, तो बेस्ट कमेंट किस करेंगे, ठीक है गाइज मैं देखता हूँ। और गाइज आपको साथ ही कमेंट में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है गाइज। मिलूंगा मैं उसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।